हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। जी हाँ, सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाई इंडिया अंडर 17 की एकदम थंपिंग विक्ट्री अगेंस्ट एसएसवी रेडलिंगटन, जो हमारा सेकंड मैच था जर्मनी में। अगर बात करें दूसरे टॉपिक के बारे में कि क्या ईस्ट बंगाल अपना प्री सीजन स्पेन में करने वाली है, और क्या कार्ल स्कॉटरेक ईस्ट बंगाल के साथ करेंगे प्री सीजन में, और जो तीसरा टॉपिक है कि हम यस चैंपियंस ऑफ एशिया बन चुके हैं एंड ओशनिक, जो जानेंगे सब कुछ ये वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे पहले इंडिया अंडर 16, मतलब ऑब्वियसली इंडिया अंडर 16 बात कर रहे थे। तो यस, हमने कल मैच खेला था अगेंस्ट एसएसवी रेडलिंगटन एंड उनके साथ हमने 6-1 की एकदम थंपिंग विक्ट्री के साथ अब उसी की जो जर्मनी टॉर को है ना वो भी खत्म कर दिया है। एंड भाई विक्ट्री भाई मजा आ गया, क्यों? क्योंकि देखो पहला मैच हमने खेला था जर्मनी के अभी जो जर्मनी में, तो वो हम लोग 3-1 से हारे थे। देन फिर उसे वो पिकअप करना, मोमेंटम में लाना, सही फिर से ऐसा कमबैक जैसा करना भाई, एंड नेक्स्ट मैच में 6-1 से थंपिंग विक्ट्री। हाँ, माना वो लोग अंडर 16 थे, ठीक है, जो सामने वाली टीम थी अंडर 16 थी, फिफ्थ डिवीजन टायर थे वो लोग, ठीक है, फिफ्थ डिवीजन की टीम थे। बट यार स्टिल देखो ऐसा तो नहीं कि पूरी टीम ही खराब रहेगी वो एसएसवी, तो थोड़े कोई तो क्वालिटी प्लेयर्स देंगे ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जी हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग ज्यादा ही खुश नहीं हो सकते ना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकते, बट डेफिनेटली हम लोग अपलोड तो कर सकते, हम लोग प्रेस तो कर सकते कि जो इंडिया अंडर 17 कर रही है, और खतरनाक, मतलब स्पेन के टॉर में भी 6 मैचेस खेले हमने, जर्मनी के टॉर में भी ना आप बोल सकते कि अभी तक 2 मैचेस खेले। तो मैं चाहता हूँ कि ना एक लालच जैसा है कि भाई एक और मैच अनएक्सपेक्टेड वे में ना हो जाएगा, क्योंकि देखो स्पेन में हमने लास्ट एक और मैच एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेला था, तो मैं यही चाहता हूँ कि एक और हम लोग ऐसा मैच खेले ना, आप बोल सकते हैं ना आई वॉन्ट कि जर्मनी में अभी ना एक और मैच खेला जाए, तो लेट्स सी। बट यहाँ पर अगर आप स्कोर की बात करें तो भाई फर्स्ट हाफ में हमने दो गोल्स मारे, एक 34th मिनट में एंड एक 37th मिनट में शाश्वत ने, एंड एक और रेमिंग आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको उसका ऑब्वियसली स्कोर कार्ड पे जो दिख रहा होगा। तो फर्स्ट हाफ तो स्कोर था 2-1, देन फिर बाद में सेकेंड हाफ में भाई हम लोगों ने 4 गोल्स दागे एंड 6-1 से एकदम पेलम पाल कर दिया, तो मजा आया भाई, मजा आया। एंड जैसे कि हमने बोला भाई, इससे काफी ज्यादा एक्सपोजर, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर इंडिया अंडर 17। एंड यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिफेंस के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली स्पेन में हम लोगों ने 14 से 15 गोल कंसीड किए थे, तो और यहाँ पर आप उस जो जर्मनी में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 मैचेस ही खेले थे एंड हम लोगों ने 4 गोल कंसीड किया, पहले मैच में 3 गोल्स एंड ये मैच में अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ऑब्वियसली ज्यादा गोल्स मारे, दैट्स अ गुड थिंग, बट साथ ही साथ हमने ना ज्यादा कंसीड नहीं किया। तो ये एक एरिया रहेगा विभिन्न फर्नांडिस हमारे जो कोच है वो एंश्योर करेंगे कि भाई ये जो डिफेंस है हमारा, डिफेंस में हम लोग थोड़ा वल्नरेबल लग रहे हैं एंड डिफेंस में थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो विभिन्न फर्नांडिस विल ट्राई एवरीथिंग यू नो टू मेक द डिफेंस गुड, और अटैकिंग तो हमारा अच्छा ही है, एंड और जानेंगे हम लोग डेफिनेटली हम लोग जापान के अगेंस्ट खेलने वाले ना, वी अटैकिंग नंबर्स जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आई रियली होप कि जो हमारा जो डिफेंस है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए, एंड आई रियली मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग डेफिनेटली अभी इसके बाद जो 15 दिन का कैंप है जर्मनी के बाद जर्मनी में, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट थाईलैंड जाने वाले एंड जहां पर अंडर 17 एशिया कप का टूर्नामेंट होने वाला है। सो लेट्स होप कि हमारे जो इंडिया अंडर 17 है जब टूर्नामेंट से पहले तक है ना, जो हमारे जो भी वीकनेसेस है उस पर ना अच्छे से काम कर सके, एंड जो हमारे अपोजिट स्ट्रेंथ है उसके ऊपर और ना और उसको बेहतर कर सके। तो बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है, जी हां दोस्तों, हमारे फीफा ई नेशंस के प्लेऑफ चल रहे थे एशिया में, एशिया के अगेंस्ट, तो भाई हमने जीत चुका है एंड हमने भाई वी आर द चैंपियंस ऑफ एशिया एंड ओशनिया ऐसा कुछ तो बोलते हैं, बट यस वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड एक अलग ही फीलिंग आती है भाई कि व्हेन समवन कॉल्स यू यू नो चैंपियंस ऑफ एशिया, ओ भाई दैट फीलिंग इज रियल भाई, दैट फीलिंग इज अनरियल। एंड अभी हम लोग जाएंगे सऊदी अरेबिया 2023 जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें, एंड वहां पर हम लोग अगेंस्ट द वर्ल्ड की बेस्ट टीम के साथ कम्पीट करेंगे, एंड आई रियली होप यू नो आई रियली होप कि हमने एशिया में जैसे परफॉर्मेंस दिया तो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके 2023 वर्ल्ड कप में। सो यू नो लुकिंग फॉर अ गुड रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द ई फीफा जो प्लेयर्स है, हमारे 4 प्लेयर्स है, 4 या 5, तो उनको ऑल द बेस्ट भाई, होप आप इससे भी एकदम गुड परफॉर्मेंस दे, एंड एशिया की तो मार दी भाई आपने, एंड वहां पर भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को मार दो भाई। यस, तो बात के जो तीसरा टॉपिक है, जी हां दोस्तों, ईस्ट बंगाल यहाँ पर भाई कार्ल स्कॉटरेक कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने वाला है। अभी यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स है, पहली रिपोर्ट ये है कि ना वो एक ट्राई कर रहा है ना, वो ट्राई कर रहा है कि जो ईस्ट बंगाल का जो प्री सीजन है वो स्पेन में किया जाए। तो आप सभी को पता है ना स्पेन में एक अलग से एटमोसफियर रहेगा, एंड केरला ब्लास्टर्स भी शायद से यूएई में करने जा रही है, यूएई में आई गेस या तो दुबई में करेगी शायद से केरला ब्लास्टर्स अपना प्री सीजन। तो भाई कार्ल स्कॉटरेक भी प्लान कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट चल रही है कि कार्ल स्कॉटरेक इज लुकिंग टू डू अ प्री सीजन विद ईस्ट बंगाल इन स्पेन। लेकिन यहाँ पर दूसरा खबर भी है, यू नो वो इंडिया में करना चाहता है, ठीक है, वो इंडिया में करना चाहता है, क्योंकि इंडिया में अगर वो करेगा प्री सीजन तो ना वो है ना जो इंडिया का जो एनवायरमेंट है, इंडिया का एटमोसफेयर है, उससे वो अडेप्ट हो जाएगा, एंड देन फिर बाद में आगे पूरे आईएसएल सीजन में ना उसको
प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अभी यहाँ पर देखना लायक होगा कि ईस्ट बंगाल क्या करती है। एंड ईस्ट बंगाल जो क्लब है वो स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं ये, अगर स्पेन जाती है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो लेट्स सी ईस्ट बंगाल कहाँ पर प्री सीजन करती है, स्पेन में या तो इंडिया में। नहीं, आप जरूर बताइए भाई आप क्या चाहोगे, ईस्ट बंगाल स्पेन में ट्रेन करें या तो इंडिया में ट्रेन करें, बिकॉज दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो यार यस, इसी के साथ वीडियो खत्म करेंगे। एंड मुझे जरूर बताना भाई कि आप लोगों को कैसा लगा अपनी इंडिया अंडर 16 या अंडर 17 की जो टीम को देख के इतने मस्त खेली एंड फीफा नेशन के चैंपियंस भी हो गए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सब एकदम गुड न्यूज के बारे में बात किया। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। एंड एज ऑलवेज जैसे कि हम लोग बोलते कि इसी वे में इन दिस वे वी विल सपोर्ट एंड फॉलो इंडियन फुटबॉल।